दिल्ली में हुए कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद पटना में भी जो प्रशासन है वो एक्शन मोड में आ गई है। मंगलवार को पटना के सभी बड़े कोचिंग संस्थानों की जांच की गई। जो खमियां थी उसको दूर करने के लिए सभी कोचिंग संस्थानों के संचालकों को कहा गया है। इस समय हमारी मौजूदगी जो है वो पटना के भिकना पहाड़ी में है। और आपको बता दें कि हमारे पीछे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट देख रहे हैं ये सबसे चर्चित शिक्षक खान सर का कोचिंग है। आप देख सकते हैं कि खान GS रिसर्च सेंटर है जो आज जो है वो बंद है। गेट पे ताला लगा हुआ है, बाउंसर्स की तैनाती है और जो बच्चे यहाँ पे अपना क्लास करने के लिए आ रहे हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आज कोचिंग बंद है, कल जो है आपको सूचना दिया जाएगा कि कल कोचिंग खुलेगी कि नहीं। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस कोचिंग बंद होने से इनके पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? बाला लखिंदर। किस चीज़ की तैयारी करते हैं खान सर से? अभी तो फिलहाल मैं BSc का ही तैयारी करता हूँ, सेमेस्टर भी वन में हूँ मैं, तो अभी खान सर का कोचिंग अभी मैं ज्वाइन नहीं किया हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए? जी। और अगर मान लीजिए कि आने वाले समय में कोचिंग नहीं खुलता है तो आपके पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा? इसका यही पे उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, हम लोग से तो पैसा पूरे साल का ले लिया हुआ है, अब हम लोग क्या फ़र्क पड़ेगा, पैसा आ गया, जो भी तकलीफ झेलना होगा वो हम लोग को झेलना पड़ेगा। पढ़ाई पर इसका क्या असर पड़ेगा? असर यही पड़ेगा कि हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, एग्जाम जब निकलेगा नहीं, समय पास हो जाएगा, बर्बादी होगा और इससे क्या होगा। पहले से सूचना नहीं दी गई थी आपको? नहीं, पहले से सूचना नहीं दिया गया, हमने ग्रुप में से यहाँ आने के बाद पता चला कि जो है कोचिंग बंद। यहाँ आने के एक बाद मालूम चल रहा है कि आज जो है वो कोचिंग बंद है। सुबह से ही बच्चे जो हैं अलग अलग बैच में पढ़ने के लिए यहाँ आ रहे हैं और वापस जो है लौट के जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कल क्या होता है। और भी हमारे साथ बच्चे हैं। क्या नाम हुआ आपका? बिमल कुमार नाम हुआ मेरा। अच्छा, तो क्या कहा जा रहा है आज? यहाँ आए तो एक बार क्लास बंद है, आज क्लास बंद है एक बैच, यहाँ आए तो दरोगा का क्लास करते हैं, दरोगा की तैयारी करते हैं। हाँ जी जी। तो अगर मान लीजिए कि आने वाले समय में अगर कोचिंग नहीं खुलता है तो आपके पढ़ाई पर इसका क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, यहाँ छूट जाएगा तक पढ़ाई लिखाई थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, ये दिल्ली में हादसा हुआ जहाँ बेसमेंट पर पढ़ाई चल रहा था, अचानक पानी भर गया, कई बच्चों की मौत हो गई, यहाँ भी उसी तरीके का होता है? एक ही कमरे में खूब सारे बच्चे पढ़ते हैं? जी, होता तो है। कितने बच्चे पढ़ते होंगे खान सर की अगर बात करें तो? तकरीबन 3,000-3,500 एक हॉल में। एक हॉल में, एक बैच में, एक हॉल में 3,000 बच्चे पढ़ते? जी, 3,000-4,000 समथिंग। जिस तरीके से दिल्ली में घटना हुई है, क्या लगता है अगर यहाँ उन सभी मापदंडों का ख्याल रखा? नहीं नहीं, ये सब तो होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल के दिन हो सकता है क्लास में आग लग जाए, कल के दिन और कुछ हो जाए, अनहोनी हो जाए, तो उसके लिए तो तैयार रहना पड़ेगा ना, क्योंकि सब बिहार सरकार को जिम्मेदारी ठहराएगा, तो बिहार सरकार पहले से अगर तत्पर तैयार है इसके लिए तो और बहुत अच्छा बात है, उनके बिहार के लिए बहुत अच्छा बात है इसके लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो है कोचिंग पर जो है वो जिला प्रशासन सख्त रवैया अपनाए हुए है। आज सभी कोचिंग संचालकों के साथ DM की बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि एक महीने का समय दिया जाता है, अगर कोई गलती है, अगर कोई कमियां है तो उसको दूर करें। फिलहाल जो बच्चे हैं वो खान सर के यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हैं और यहाँ आने के बाद मालूम चल रहा है कि आज कोचिंग बंद है, कोचिंग में ताला लगा हुआ है, ताले के जो अंदर हैं वो बाउंसर्स की तैनाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो बाउंसर हैं वो यहाँ पे तैनात हैं और उन बच्चों को रास्ते से ही यानी कि दरवाजे से ही लौटा दिया जा रहा है। पटना से लोकल एटिंग के लिए सच्चिदानंद।